दोस्तों, जब हम अपना WhatsApp स्टेटस लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर WhatsApp में जाते हैं और यहाँ पर स्टेटस पर स्लाइड करते हैं इस तरह से, और यहाँ पर अपने ये देख सकते हैं कैमरे पर ओपन करते हैं और यहाँ से ये इस तरह से स्लाइड करते हैं और यहाँ पर अपनी गैलरी में से स्टेटस ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हमें ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर उसको लगाते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टेटस मिल भी नहीं पाता है, तो यहाँ पर हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको WhatsApp स्टेटस लगाने का सबसे आसान तरीका बताऊँगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा अपनी गैलरी में। यहाँ पर हम अपनी गैलरी ओपन कर लेंगे। गैलरी ओपन करने के बाद जिस फोल्डर में भी हमारे WhatsApp स्टेटस हैं उस फोल्डर में हमें चले जाना है। यहाँ पर जिस फोल्डर में मेरे स्टेटस है मैं उसमें चले जाता हूँ। इस तरह से हम चले जाएंगे। जाने के बाद यहाँ से हमें कोई अपना स्टेटस देख लेना है, जो भी हम लगाना चाहते हैं वो स्टेटस हम अपना लगाना चाहते हैं उस पर ओके करेंगे। इस तरह से ये देख सकते हैं, ये मेरी ही वीडियो है जो मैंने बहुत टाइम पहले टिकटॉक बनाई थी और उसके अगले दिन ही टिकटॉक बैन हो गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से हम उसी वीडियो को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, देख सकते हैं शेयर का, जो भी स्टेटस आप लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लेंगे और शेयर के ऑप्शन पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, देख सकते हैं WhatsApp का, WhatsApp पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद तो यहाँ से अगर आप स्टेटस लगाते हैं इस तरह से शेयर पर करके, तो यहाँ पर आपको एक फ़ायदा और है। यहाँ पर ये देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आप ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद क्या होगा, यहाँ से आप इसकी प्राइवेसी भी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने कॉन्टैक्ट को माई कॉन्टैक्ट पर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट ऐड हैं सबको आपका स्टेटस दिखे तो आप इस पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक पर्सन को, मतलब एक बंदे को या बंदी को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ओनली शेयर इस पर कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ से उन बंदे या बंदी पर टिक लगा देंगे जिसको भी आप अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं, एक को, दो को या पांच को, इस तरह से टिक लगा देंगे और इसको ओके कर देंगे इस तरह से, और इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद अब जो स्टेटस आपने चूज़ किया है उसको ये देख सकते हैं माई स्टेटस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये देख सकते हैं इस पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से इसको शेयर कर देंगे। शेयर करने के बाद आपका स्टेटस यहाँ से लग जाएगा। तो यहाँ से आपका WhatsApp स्टेटस लग जाएगा। यहाँ से आपको कोई ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी। फोल्डर में जाके आप काफ़ी आसानी से शेयर करके उसको स्टेटस को लगा सकते हैं काफ़ी आसानी से। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।